आईपीएल 2021 की ट्रेडिंग विंडो पूरी तरह से ओपन हो चुकी है और 4 फरवरी को ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। उससे पहले 21 जनवरी को सभी टीम अपने अपने रिटेन प्लेयर के लिस्ट के नेम एंड रिलीज प्लेयर के लिस्ट के नेम बीसीसीआई को सबमिट करने वाली है। और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो कि आईपीएल 2021 की ऑक्शन से पहले आप सभी को ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं एंड उन टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है एंड कौन कौन सी टीम कॉन्टैक्ट में है तो मैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के डेविड मिलर। अब डेविड मिलर को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एंड राजस्थान रॉयल्स की टीम गाइस अभी पूरी तरह से डेविड मिलर को रिलीज करने वाली है 2021 के आईपीएल के लिए, क्योंकि गाइस अभी डेविड मिलर का जगह बिल्कुल यहां पे नहीं बन रहा राजस्थान रॉयल्स की टीम में। इनके पास ऑलरेडी यहां पे 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं एंड टॉप क्लास फॉरेन प्लेयर्स यहां पे हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने डेविड मिलर को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है। अब इनके साथ कॉन्टैक्ट में जुड़े हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से मजबूत करना चाहते हैं और इसी वजह से वो मिडिल ऑर्डर की खोज में निकल चुके हैं एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के साथ कांटेक्ट में है और आरसीबी की टीम डेविड मिलर को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स के मयंक मार्कंडे। अब मयंक मार्कंडे को पहले से अवेलेबल कर दिया है ट्रेड के लिए आर की टीम और इनकी जगह इनके प्लेइंग 11 में नहीं बन रही तो इसी वजह से इनको जो की पूरी तरह से ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया गया है और इनके साथ अपने कॉन्टेक्ट में जुड़े हैं हमारे चेन्नई सुपर किंग की टीम और चेन्नई सुपर किंग की टीम गाइस एक अच्छे स्पिनर को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट ने बोल दिया कि सभी स्पिनर को वो अपने टीम से बाहर निकालेंगे सिर्फ रविंद्र जडेजा को छोड़ के और गाइस वो ऑप्शन से एक नए स्पिनर को तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेड के जरिए अच्छा स्पिनर उनके टीम में आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात रहेगी और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग की टीम मयंक मार्कंडे को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है? चेन्नई सुपर किंग के जितने सारे फैंस हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या मयंक मार्कंडे के आ जाने से चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग लाइनअप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगी या नहीं? तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना अपना ओपिनियन दीजिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस तीसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स के दिनेश कार्तिक। अब दिनेश कार्तिक को भी गाइस यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पूरी तरह से ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया है और इतना भी कन्फर्म हो चुके की 2021 के आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम दिनेश कार्तिक को रिलीज करने वाली है, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दिया गया है तो अब उनको भी 2021 के आईपीएल के लिए रिलीज करने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ कौन कौन सी टीम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जुड़ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली जो टीम आई थी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कॉन्टैक्ट में एंड ट्रेड करने वाली भी थी उस टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने गाइस यहाँ पे जो डिमांड किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस डिमांड को दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरा नहीं कर पाई, इसी वजह से इस ट्रेड को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इस ट्रेड के बीच में कूद चुकी है और गाइस ये दोनों टीम चाहती है कि दिनेश कार्तिक हमारे टीम के ओर से खेले आईपीएल 2021। अब अगर हम बात करें दिनेश कार्तिक की तो दिनेश कार्तिक सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है एंड इन दोनों टीमों की मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक है एंड ये दोनों टीम चाहते कि मिडिल ऑर्डर में इस साल अच्छे तरीके से काम करे, एक अच्छे खिलाड़ी को अपने टीम में इंक्लूड करे। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की सोच काफी अच्छी है, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की सोच भी काफी अच्छी है। तो गाइस अब किसके टीम में जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, जैसे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगा वैसे हम सभी को पता चल जाएगा। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, किसके टीम में दिनेश कार्तिक को जाना चाहिए, किसके टीम में जाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा उस टीम का? तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल। जी हां गाइस, 2021 के आईपीएल के लिए ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करने वाली है और इस
इसी वजह से गाइस यहाँ पे 2021 की ट्रेडिंग विंडो में यहाँ पे पूरी तरह से अवेलेबल कर दिया है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इनके साथ कॉन्टेक्ट में आई थी, लेकिन यहाँ पे दीप द पार्टिकल की डिमांड कर रही थी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पवन नेगी को दे रही थी, शिवम दुबे को दे रही थी, मोइन अली को दे रही थी, तीन खिलाड़ी को दे रही थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, लेकिन फिर भी किंग्स इलेवन पंजाब का डिमांड एक ही था कि नहीं, हमें इन तीनों खिलाड़ी की जरूरत नहीं है, हमें सेफ और सेफ देव द पार्टिकल चाहिए, देव द पार्टिकल आ जाएंगे तो हमारी टीम काफ़ी अच्छी हो जाएगी, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का ऐसा कहना था। और इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने रिप्लाई किया, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप इन तीन खिलाड़ी को नहीं रख सकते तो हम देव द पार्टिकल को भी आपको नहीं दे सकते। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने फिर से एक खिलाड़ी को कम कर दिया, जहां पे शिवम दुबे का नाम यहां पे ट्रेड की लिस्ट से पूरी तरह से हटा दिया गया, और वहां पे बचे दो खिलाड़ी मोइन अली और पवन नेगी। उसके बाद अगर ट्रेड करना चाहती है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम तो इन दोनों खिलाड़ी को उनको लेना पड़ेगा, पर अभी भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इस कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से होल्ड में रख दिया है, एंड अगर कोई भी टीम उनके साथ कॉन्टैक्ट में जुड़ती है तो इस कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा, बट आरसीबी की टीम अभी भी होल्ड में रुकी हुई है और ग्लेन मैक्सवेल को सस्ते में इंक्लूड करने के प्लान में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस नेक्स्ट जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पवन नेगी। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जिन जिन खिलाड़ी को ट्रेड करने के लिए अवेलेबल कर चुकी है उसका नाम मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। पवन नेगी को 2021 के आईपीएल के लिए रिलीज करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, और उनको ट्रेड करने के लिए भी अवेलेबल उनको कर दिया गया है, और पवन नेगी का नाम सबसे नंबर वन पर है ट्रेडिंग के मामले में, और रिलीज के मामले में भी यहाँ पे पवन नेगी का नाम सबसे टॉप पर अभी चल रहा है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इनको पूरी तरह से रिलीज करने वाली है 2021 आईपीएल के लिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मोइन अली। अब मोइन अली को भी यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 2021 के आईपीएल के लिए रिलीज करने वाली है, उनका नाम भी ट्रेडिंग विंडो में आ चुका है, अवेलेबल कर दिया है आरसीबी की टीम ने, और उसके बाद यहां पे रिलीज के लिस्ट में भी इनका नाम यहां पे आ चुका है, एंड आरसीबी की टीम 2021 के आईपीएल के लिए मोइन अली को भी रिलीज करने वाली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो तीसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है क्रिस मॉरिस। अब क्रिस मॉरिस का नाम अभी तक की जहाँ पे निकल कर आ रही है कि क्रिस मॉरिस गाइस यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं आरसीबी की टीम से, और आरसीबी की टीम इनको रिलीज करने वाली क्योंकि 10 करोड़ रुपए इनको दिया जा रहा है, एंड उनका अभी कोई परफॉर्मेंस के रिलेटिव कोई न्यूज निकल कर नहीं आई है, तो इसी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इनको भी रिलीज करने वाली है या फिर गाइस यहाँ पे ट्रेड कर देगी, लेकिन ट्रेड अभी तक नहीं करेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, ट्रेड को लेके कोई न्यूज नहीं है, बट रिलीज कर देगी आरसीबी की टीम, ये न्यूज अभी सामने निकल कर आ रही है। तो गाइस जब हम बात करते हैं आखिरी खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस आखिरी जो खिलाड़ी निकल कर आ रहा है उनका नाम है राजस्थान रॉयल्स के स्टीव स्मिथ। जी हाँ गाइस, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल कर दी है स्टीव स्मिथ को ट्रेड करने के लिए, एंड 2021 के आईपीएल के लिए स्टीव स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स की टीम यहाँ पे रिलीज करने वाली है, ये नई न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है, और बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और इतने बड़े खिलाड़ी को गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम यहाँ पे रिलीज करने वाली है। और गाइस अब हम बात करते हैं कौन कौन सी टीम इनके साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जुड़ चुकी है, तो गाइस यहाँ पे उन टीमों का नाम यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का, चेन्नई सुपर किंग की टीम का, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। तो ये तीन टीम गाइस यहाँ पे पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के कॉन्टैक्ट में है, एंड स्टीव स्मिथ को यहाँ पे ट्रेड करना चाहती है, ये तीन टीम स्टीव स्मिथ को ट्रेड करना चाहती है। तो गाइस इन तीन टीम की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी, और ये सारे खिलाड़ी 2021 की आईपीएल से पहले आप सभी को पे ट्रेड होते हुए देखेंगे दूसरे टीमों में। तो गाइस ये रही सारे खिलाड़ी की लिस्ट के नेम। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।